चैनल दाता मस्कुश। अगर आप नए हैं सर तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और केस स्टडीज मिल सकें फ्यूचर में एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑब्वियसली हमने लास्ट जो केस स्टडी देखी थी कॉटन मिल, जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लुइस, वो भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के ऊपर ही कहीं ना कहीं बेस्ड थी। बेसिकली उसका मैटर मेन वही था। आज भी हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, एक केस स्टडी जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रेफर करेगी। जब भी आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का टाइटल या किसी भी लॉ की बुक में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको रेफर करा जाएगा इन दोनों केसों के बारे में। कहीं ना कहीं ये केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कई बातें ऐसी हैं जो आप केस रेफर करके ही समझा पाएंगे। केस बेसिकली एक ऐसी जजमेंट होती हैं जो कोर्ट ने पास करी है। इट इज़ एन एग्जाम्पल बेसिकली जो कोर्ट ने सेट करा है, तो आपको एग्जाम्पल खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई केस का नाम बहुत पॉपुलर था उन दिनों और आज भी बहुत पॉपुलर है, इसलिए हर जगह आपको मिल सकता है। नाम है मूसा गुलाम आरिफ वर्सेस इब्राहिम गुलाम आरिफ। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाई थी और ये केस का जजमेंट जो आया था 26 जून 1912 को आया था। तो आप समझ सकते हैं कि केस कितना ज़्यादा पुराना है। हालांकि इस केस को आज भी रेफर करा जाता है। जब आप, आपके ये क्वेश्चन आएगा कि अभी तो कंपनी सेक्ट 2013 चल रहा है, क्या कभी कोई कंपनी सेक्ट था? तो जी हाँ, जब भी कोई एक कंपनी एक्ट था, एक इम्पीरियल एक्ट भी हुआ करता था उस टाइम अंग्रेजों के ज़माने में, जो हमारे इंडियन लॉ से थोड़ा बहुत ही अलग था, बाकी बहुत सारी प्रोविजंस उसकी सेम थी। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडियन लॉ का बहुत बड़ा पार्ट इंग्लिश लॉ से भी लिया गया है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी के कैरेक्टर्स देखेंगे कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं जो इस पूरी स्टोरी के अंदर किरदार होने वाले हैं। चलिए जी, मैं आपको उन कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर हमारे स्टोरी के जो हैं वो हैं हमारे मेन कैरेक्टर हर्जी गुलाम आरिफ। हर्जी गुलाम आरिफ एक मेन कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर पूरी स्टोरी इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए उसके बाद इनकी बेगम नंबर वन, जिसका नाम स्टोरी में मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, आपको बस इसका रोल ऐसे ही समझना है। एंड बेगम नंबर टू, इसका भी कोई नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, आपको इसका रोल भी ऐसे समझना है। एंड इसके पांच बच्चे, इन साहब के पांच बच्चे और दो बीवियाँ। बीवियाँ मेजर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चे माइनर हैं। चलिए जी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सर क्या हुआ, जो हर्जी गुलाम आरिफ सर थे वो एक मर्चेंट थे, ठीक है सर। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मर्चेंट थे, और उनके जो बड़े बेटे थे वो कहीं ना कहीं जो ये साहब थे अपने बड़े बेटों से अपसेट थे। मतलब उन पांच को हटा के भी इनके कुछ बच्चे थे और उन बच्चों से ये थोड़े से अपसेट थे, क्योंकि वो मिसकंडक्ट कर रहे थे इनके मर्चेंट बिजनेस का। तो उसकी वजह से इन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है, वो जो मेरी एस्टेट है, वो मैं अपने दो वाइफ्स और पांच बच्चों को ही बांट देना चाहता हूँ, उन बाकी बच्चों का नहीं देना चाहता जो मिसकंडक्ट कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक तरीका सोचा, इन्होंने सोचा कि शायद मैं ये प्रॉपर्टी उनको ना दे पाऊँ अगर मैंने ये तरीका ना अपनाया। इनके दिमाग में ये तरीका आया कि ये तरीका बेस्ट रहेगा उनको प्रॉपर्टी बांटने के लिए। लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि यार अगर मैंने अपनी ज़मीन बांट दी, अगर मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी अलग अलग, तो सब लोग उस ज़मीन को बेच देंगे जब भी ये मेजर होंगे और पैसे लेके अलग हो जाएंगे। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि मुझे प्रॉपर्टी को बांटना नहीं है। तो इन्होंने कंपनी फ्लोट करी जिसका नाम था गुलाम आरिफ एस्टेट लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी इन्होंने फ्लोट करी। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि पब्लिक कंपनी को फ्लोट करने के लिए 7 बंदों की ज़रूरत एटलीस्ट होती है, ठीक है। तो इन्होंने वो कंपनी फ्लोट करी और सारी की सारी ज़मीन इन्होंने सोचा कि उस कंपनी के थ्रू बांटी जाए क्यों ना, जिससे वो जो हमारा पोर्शन है उस लैंड की वैल्यू का वो बट भी जाएगा और वो अलग अलग इन द फिज़िकल फॉर्म नहीं हो पाएंगे बच्चे। बेसिकली एक ही कंपनी है तो उसकी एक ही लैंड होगी, हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू तो बांट सकते हैं। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या था, उसकी फिजिकली जो अपेयरेंस है लैंड की वो भी अलग अलग नहीं होनी थी। ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि अगर फिजिकली अपेयर बांटना मतलब क्या है, एक दीवार खड़ी कर देना। इन्होंने वो नहीं सोचा, इन्होंने सोचा कंपनी फ्लोट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग ये बांट देंगे
और फिजिकली भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा भी नहीं किसी को। इन्होंने बहुत सही सोचा, तो इन्होंने इस कंपनी के अंदर दो बीवियों को अपनी अपना जो साथ जनों की जरूरत थी उसके अंदर दो बीवी और पांच बच्चों को मेंबर बनाना की सोची। अब पांच बच्चे जो कि माइनर थे, तो इन्होंने सोचा माइनर तो कॉम्पिटेंट है नहीं लॉ की नज़र में, जबकि दोनों बीवियाँ कॉम्पिटेंट थी। बिकॉज माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी तरह के लॉ के अंदर ट्रीट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि माइनर के साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, रिगार्डिंग सम ऑफ द एक्सेप्शंस हियर। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई बीवी को हटा दो तो पांच बच्चे जो हैं मैं उनके बेस पे गार्जियन को अपॉइंट कर लेता हूँ। इन्होंने गार्जियन अपॉइंट करा उन पांचों बच्चों के लिए, इन पांचों चिल्ड्रन के लिए जो कि माइनर थे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब ये सब फ्लोट करने की सोच रहे थे कंपनी। इन्होंने कंपनी फ्लोट करी, एक गार्जियन को अपॉइंट करा और उस गार्जियन ने उन पांचों बच्चों के बिहाफ पे सिग्नेचर करी। ठीक है, तो सर यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि मतलब बात ये है सिंपल सिंपल सी कि इन दोनों बीवियाँ जो थी वो मेजर थी लेकिन जो पांच बच्चे थे वो माइनर थे कहीं ना कहीं। तो उन पांच बच्चों के बिहाफ पे इन्होंने गार्जियन को अपॉइंट करा और उस गार्जियन ने उन पांचों बच्चों के साइन करे और कंपनी फ्लोट हो गई गुलाम आरिफ एस्टेट कंपनी लिमिटेड। चलिए सर, गुलाम आरिफ एस्टेट कंपनी लिमिटेड में किरदार क्या क्या हुए सर? तो किरदार कौन कौन से थे? यही थे, एक उसकी फर्स्ट बीवी जो उसने मेमोरेंडम साइन करा होगा, एक दूसरी बीवी जिसने मेमोरेंडम साइन करा होगा और पांच बच्चे। अब इन पांच बच्चों ने साइन करने की स्थिति में तो थे नहीं लॉ के हिसाब से, तो इन्होंने गार्जियन को अपॉइंट करा जिसने ये साइन करा। अब क्या हुआ सर, इनका देहांत हो गया, इन साहब का। ठीक है, इन साहब का देहांत हो गया जिन्होंने ये पूरी कंपनी फ्लोट करी थी। और अब क्या हुआ, इनका बड़ा बेटा जो मिसकंडक्ट कर रहा था वो कोर्ट के पास गया, जिसका नाम इस पूरे के पूरे केस के ऊपर मेन नाम उसी का ही है जैसे कि आपको नाम दिख भी रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इब्राहिम गुलाम आरिफ। ये उनके बड़े बेटे का नाम था जिन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल करा और उस केस के मुताबिक इन्होंने उस केस में कहा कि ये जब उनकी डेथ हो गई तो जो उसका ऑफिशियल नॉमिनी है मतलब मैं, मुझे सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। वो कंपनी कभी ढंग से फॉर्म ही नहीं हुई बिकॉज जब इब्राहिम ने देखा कि ये कंपनी किसके नाम पे है तो उसने पाया दो बीवियाँ और पांच बच्चे जिनके नाम पे वो कंपनी चल रही है, मतलब जो उसके सब्सक्राइबर थे, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स। तो अब्राहम ने केस दायर करा कि कभी भी वो कंपनी फॉर्म हुई ही नहीं और जो प्रॉपर्टी है उसका लीगल ओनर, लीगल बोल सकते हैं लॉर्डशिप, लॉर्डशिप वर्ड यूज कर रखे हैं इस केस लॉ में, लॉर्डशिप मुझे मिलनी चाहिए, मतलब मुझे मालिकाना हक मिलना चाहिए क्योंकि वो कंपनी कभी भी अच्छी तरह से या फिर बोलूँ मैं लीगली फॉर्म नहीं हुई थी इब्राहिम के मुताबिक। हालांकि उस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका था। तो यहाँ पे बात यह आती है सर कि क्या इनकॉर्पोरेशन जो जो सर्टिफिकेट मिला था उसके मिलने के बाद कुछ गलतियाँ पता चलती हैं कि जो साइन करे गए थे वो फ्रॉड थे, वो माइनर्स के साइन थे। तो क्या सर जो रजिस्ट्रार ने गलती करी उसकी वजह से कंपनी का जो लीगल असिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस में जो कंपनी आई है उसको नकार दिया जाए? तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, जैसे जुबली कॉटन मिल्स में भी हमने देखा था ये लुइस वाले केस में, उसमें डेट का घपला था, यहाँ पे स्टेटस का घपला है। क्लियरली जब इसे लॉ बनाया गया कि भाई माइनर साइन नहीं कर सकता कंपनी फॉर्म करने में, लेकिन हालांकि अगर कंपनी फॉर्म हो गई एक बार, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, रजिस्ट्रार ने दे दिया, उसके बाद में कंपनी फ्लोट हो जाएगी। कंपनी लीगली फ्लोट हुई है, अगर कोई भी डिसट्रांसपेरेंसी या मिस स्टेटमेंट पाई जाती है तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा वरना उस पर पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कंपनी एक्जिस्टेंस में एक बार आ गई तो इट इज केम इनटू एक्जिस्टेंस, उसको कैंसिल नहीं करा जा सकता। तो इसने जो केस करा था भाई, इसके बेटे ने, इब्राहिम गुलाम आरिफ ने, उन्होंने जो केस करा था उसको खारिज करा गया इस बेस पे कि एक बार कंपनी फॉर्म हो गई तो हो गई, उसके एग्जिस्टेंस पे अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो हमारा
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो बहुत बड़ा एक बस सर्टिफिकेट होता है कंपनी के लिए। अगर वो उसको मिल गया है तो आप उसके एग्जिस्टेंस पे कभी भी सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है सर, एक बार स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी देख लेते हैं इस पूरे के पूरे केस की रिकैप में, ये आपके सामने जो केस मैं चला रहा हूँ। चलिए इसकी लास्ट प्रोविजंस हम लोग पढ़ लेते हैं और फटाफट से इस केस को वाइंड अप करते हैं। तो सर ये रही प्रोविजंस, एज पर सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ये है कि भाई ये आखिरी एविडेंस है, अगर आपको ये मिल गया तो आपके फिर इनकॉर्पोरेशन पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। विद रिगार्ड टू प्रॉपर एंड रेगुलर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है सर, इट कैन नॉट बी एवर बी चैलेंज, ये कभी भी चैलेंज नहीं करा जा सकता किसी के भी द्वारा ऑन व्हाट्स एवर ग्राउंड्स, इवन इफ सब्सिक्वेंटली, चाहे उसके फॉर्म होने के बाद कोई भी ऐसी गलती मिलती है जो कि उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले की है। जैसे इस केस में हुआ क्या, हुआ सर उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले से माइनर थे वो बंदे, थे ना वो पांच के पांचों बच्चे माइनर थे, लेकिन एक गार्जियन ने साइन करा, लेकिन कंपनी वो फिर भी एक लीगल कंपनी मानी गई और वो फॉर्म हुई उसको, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट्स एवर ग्राउंड्स इवन इफ सब्सिक्वेंटली एनी इररेगुलरिटीज आर फाउंड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले भी अगर कोई ऐसी इररेगुलरिटी है उसको भी इग्नोर करा जाएगा अगर उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, डिसीजन क्या था फाइनली वो डिसीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इट वॉज प्रोवाइडेड डेट द लॉर्डशिप ऑफ द प्रॉपर्टी वही ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इफ यहाँ पे नहीं आएगा, ऑफ द कंपनी एंड द सूट वॉज डिसमिस्ड। ठीक है, सूट क्या हो गया, तो डिसमिस हो गया था। इट वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इवन इफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंटेन सम एलिमेंट, हालांकि जो मेरा सर्टिफिकेट है वो कुछ ऐसे एलिमेंट कंटेन करता है जो कि ट्रू नहीं है, वो ट्रू जब भी से नहीं है जब से कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई थी, मतलब वो माइनर कंपनी फॉर्म होने से पहले ही थे, कंपनी फॉर्म करने वाली डेट को माइनर नहीं हुए हैं या कंपनी फॉर्म करने के बाद नहीं हुए, वो प्रायर से ही सबको पता था कि वो माइनर हैं। देखो जैसे कि हम जॉबली क्वार्टर में इसमें भी डिसाइड करा था, यही केस में भी डिसाइड हुआ था कि भाई साहब एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, उसमें डेट का घपला था। अगर आपने वो केस नहीं देखा तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है जिसके ऊपर 7 से 8 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है, फटाफट चुटकी बजाते आपको वो केस भी समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और कार्ड में भी ऊपर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये केस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर लव्स एंड सपोर्ट सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर एंड वी कैन मेक दिस प्लैनिट और दिस प्लेटफॉर्म अ गुड प्लेस टू लर्न द थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड कीप सपोर्टिंग अस गाइज। और एक बात और, अगर मैं केस स्टडीज बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं सीरीज लाऊँ केस स्टडीज की, आई वॉन्ट योर सजेशंस कि आपको किस किस केस में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत सारी दिक्कत होती है समझने में, हालांकि हमने उसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट टिकल करते हैं हमको दिमाग में कि यार ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल पिन इट डाउन टू माई डेस्क, मैं उसे अच्छी तरह से देखूंगा और केस को मैं जरूर जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑन योर रिक्वेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये भी एक रिक्वेस्ट ही थी एक स्टूडेंट की मेरे से, इसलिए मैंने इस केस को भी डिस्कस यहाँ पे करा है। चलिए अगली वीडियोस के लिए इंतज़ार करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।